अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मटन का जो दालचा होता है, दाल गोश्त जिसे हम कहते हैं, दालचा बोलते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस तरह से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन ले लिया है। यहाँ पर हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें हम हमारा मटन ऐड कर देंगे। साथ ही में हम हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर 2.5 टीस्पून हम धनिया पाउडर ले लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 अनियन है मीडियम साइज़ की, तो मैं अभी फ़िलहाल एक ही यूज़ करूँगी। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर 2 टमाटर है जिसे बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो मैं वापस से सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम प्रेशर कुक में पका लेंगे। लाइक हम 6 to 8 विसल देंगे इसको, और उसमें हमारा अच्छे से मटन कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो पिंक वाली मसूर दाल, चना दाल और तुअर दाल होती है उसे भिगा के रख दिया था। और इसे भी हमें प्रेशर कुकर में अच्छे से पका लेना है, मीन्स गला लेना है। और यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने शाही ज़ीरा लिया है, काली मिर्च ली है, लौंग लिया है, हरी इलायची और छोटी वाली बड़ी इलायची भी है, सिनेमन स्टिक है और तेज़पत्ता लिया है। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से मटन कुक हो गया है, ये देखिए। ऑलमोस्ट 80 to 85% मैंने इसे कुक कर लिया है, क्योंकि अभी हमें इसे बाद में भी पकाना है। यहाँ पर मैंने जो टैमरिन होता है, इमली का पल्प लिया है, इसे भिगा के रख दिया था 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा पानी डाल के। और जो लौकी होती है उसे लिया है। यहाँ पर हम एक वेसल ले लेंगे जिसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। और ये वही अनियन है जो मैंने पहले बताई थी, एक अनियन अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसे थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन कलर दे देंगे जब तक हमें इसे तेल में फ्राई कर लेना है। और इसमें से हम हाफ जो है वो निकाल लेंगे। और अभी इसमें हम वही ये जो गरम मसाले वो ऐड कर देंगे, ये देखिए। गरम मसालों का अच्छी तरह से इसमें ऑयल में हमें को सॉटे कर लेना है। और ये हमारा वही जो मटन है जिसे हमने कुक कर लिया था प्रेशर कुकर में, ये अभी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया अभी आधी कुकिंग और होनी है, तो अब इसमें हम हमारी लौकी को ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें हाफ कप के तकरीबन पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम रख देंगे अभी ढक के, और हम इसे 10 मिनट्स और कुक करेंगे, क्योंकि हमें हमारी लौकी को भी इसमें पकाना है और हमारा मटन भी जो हमने 80 to 85% पकाया था, तो अभी वो बाकी भी पक जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने दाल भी जो है वो कुकर में प्रेशर कुक में अच्छे से कुक कर ली थी, तो अभी ये पक गई है, तो इसे भी मैंने ऐड कर दिया है हमारे मटन के मसाले के साथ। और अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे हम, और इसमें अच्छे से एक बॉईल आने देंगे जब तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए
मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आप पानी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टैमरिंड का पल्प, जो इमली का पल्प होता है, वो इसमें ऐड कर लिया है। ये मैं हैदराबादी स्टाइल में बना रही हूँ। ये खट्टा हम यूज़ करते हैं, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और साथ ही में हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर और थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा दाल गोश दाल का जो है वो रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और प्लीज़ दुआ में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।